चांद रहेगा। इस पावन धरा पर हमारे बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष जोगेंद्र बागरवाला जी, हल्का अध्यक्ष राजवीर चालू जी, विजय गोठड़ा जी, जगदीश राणा जी, भाई जितेंद्र जी, ईश्वर सिंह पार जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और गांव के मेरे बुजुर्ग युवा साथी, मैं पहले तो मेरी माताओं का आभार प्रकट करूंगा कि दो मिनट में आज आपने जो गीत श्रीमती नैना चौटाला जी को बनाया और खास तौर पर हमारी मेरी जो ताई लागी की रेलगाड़ी बना दी है, ये जरूरी है। ये जो प्यार उत्साह है यही बदलाव परिवर्तन का है। जब लोग गीत गाने लग जाते हैं तो समझो माहौल बनने लगे, और ये माहौल ही है जो श्रीमती नैना चौटाला जी को पहली महिला सांसद हिसार की चुनेगा और एक नया इतिहास हिसार से रचने का काम है। आज आप सबसे विनती अनुरोध है, 20-22 दिन का समय रहेगा, इस 20-22 दिन में दिन रात एक तो टीम बना लो महिलाओं की एक और पुरुषों की, और डोर टू डोर जताई, तीन तीन चार चार बार हर गांव में जाए और सामग्री ले आओ, प्रचार कर। जब तक पहुंचाओगे नहीं, करा क्या है, कोई चर्चा नहीं करेगा। अभी मैं बलेसरा से और डनाड़ा गया, मंडी आती है डनाड़ा की, परचेज सेंटर तो ठंडा भरा ही पड़ा, खेतों में भी डेरिया गेहूं की बढ़िया उठान नहीं, पेमेंट की जितने बेच के आए हैं 15-15, 20-20 दिन तक के, इस बार सरसों के तो आए नहीं, गेहूं के भी नहीं है। आज ये व्यवस्था नहीं बन पा रही जो हमने 4.5 साल दी। आज आपका गांव है ये अनिल, जहां मैं मिलता वही आ जाता, कहता भैया पहले तो पंप लगवा दो, ड्रेन में पंपिंग हो जाएगी, गांव बच जाएगा, खेती हो जाएगी। फिर पीछे 10-20 गांव वाले इकट्ठे होके आए, कह जी सोलर पंप लगवा दो, आज सर्वे तो हो रहा है। आज ये खुशी है मेरे को किसी जताई जताई की नहीं, तालू हो, दनाड़ा हो, जताई हो, आगे खांडा, बास, ये पूरी अपनी तिराई की बेल्ट, और इस पूरी बेल्ट में थोड़ी सी बारिश हो जाती थी, डेढ़ फुट पानी नहीं खड़ा रह जाता था खेतों, चार फुट जी। और आज क्या व्यवस्था है, आज ये व्यवस्था है कि अपने यहां पर 2 मिनट में पंपिंग होकर ड्रेन में पानी डालती है। पहले 2 फसल बर्बाद यहां करती थी, इस बार पहली बार है दोनों फसलें किसान की आई। अगर बिरयानी के चीज है, दुष्प्रचार में तो नाड़ी ला लोगे और प्रचार अपनी बात का नहीं करोगे। आज महिलाएं है 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी दी नहीं थी, आज सरपंच हो, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, मेंबर पंचायत, हर दूसरी कुर्सी पे महिला है। ये राशन डिपो है, पहले पुरुष ही पुरुष लिया करते थे, 9,700 में से 900 भी महिलाओं के पास नहीं थे, आज 3,200 महिलाओं को अलॉट करने का कानून बना, 33% हिस्सेदारी। आज बीसी ए नाई, कुमार, लोहार, तेली, जोगी, इनकी पंचायतों में कभी हिस्सेदारी नहीं होती थी, आज 8% हिस्सेदारी बीसीए को दे दी आपकी सरकार ने। आज बैकवर्ड क्लासेज है, अपने शेड्यूल क्लास है, प्रमोशन में कोई फायदा नहीं मिलता था, हरियाणा में हमने बढ़ाया 20% प्रमोशन में, ऐसी साथियों को फायदा दिया। आज 20,000 किलोमीटर सड़कें गांव से गांव को जोड़ने वाले दुरुस्त कराए, उसका फायदा क्या है, इधर से उधर जाने में आसानी रह जाती है। साथियों काम बहुत करे मगर अपने शुभ चिंतक बहुत है, दुष्प्रचार बहुत जल्दी खिलाते। डॉक्टर साहब एमपी थे, 5 साल नौकरी भी लगाए, काम भी करे, इतना आपके बीच में रहे, चुनाव आए के प्रचार हो गया, तो हमारे काम नहीं होते, काम नहीं होते, काम नहीं होते, कह के राया नहीं राया 5 साल
प्रचार में। आज वही लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, पर उनके दुष्प्रचार को रोकने का समय है। खड़े रहोगे तो रोक दोगे, बोते रह जाओगे तो राजी। आपका गांव तो हमेशा एक ताकत बन के निकला है, और आप लोग ठंडे होकर चल पड़ोगे तो दोनों तीनों दिशाओं में, चाहे आप इसके बलोत के गांव की तरफ चले जाइए, चाहे गुड्डी के गांव की तरफ चले जाइए, चाहे सीधे भिवानी की तरफ चले जाइए, तीनों दिशाओं में आपके परिवर्तन की एक चाह वो दर्शाएगी। मेरा तो अनुरोध विनती है, ये चुनाव आपका चुनाव है श्रीमती नैना चौटाला जी, और इस चुनाव को अगर ठंडे होकर संभाल लोगे तो फिर चाबी का बटन दबाकर एक नया इतिहास गांव जताएंगे। और मैं तो महिलाओं को कहना चाहूंगा, 50% आबादी आप लोगों की है, वोट 50% आपके। हम तो यू चौक पे भाषण दे देंगे, चौपाड़ में खड़े होके दे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गेट के आगे खड़े होके पर्चा पकड़ा देंगे। अगर 20-20 की टीम भी बना ली और 20-20 औरतों ने यह संकल्प ले लिया, हर चूल्हे पे जाना, तो कोई रोक सकता है चूल्हे पे जाने? और चूल्हे में प्रचार हो गया, और मैं तो देखो जीवन में एक चीज सीखा हूं, अभी तो 12-13 साल हुए राजनीति करते हुए, आदमी तो बुरा मान देगा, नाड़ी लाके कह देगा वोट दूंगा और आगे कुत्ता दबाएगा। औरत तो स्पष्ट सा जवाब देती है, ये तो ढोलकी भरोगे या ढोलकी खाली करेगी। अब आप लोगों पे अगर हर चूल्हे पे घूमाई तो देख लेना, एक अलग चर्चा अगले 5 दिनों में दिख जाएगी। अगर करना पड़ेगा आज से 22 दिन रहेगी। और एक चीज और, सबको निमंत्रण है, 6 तारीख को श्रीमती नैना चौटाला जी नामांकन भर रही है हिसार लोकसभा का। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक संख्या में आप सभी हिसार की पावन धरा पर पहुंचकर अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाने का काम करें। और साथियों, दोबारा आपसे कहूंगा कि चाबी का बटन हर घर तक पहुंचाओ, सबका समर्थन मांगो और अपना सांसद बनाओ। और एक चीज कह देता हूं कि आताड़े छल्ले है, ये पहनोगे घूमोगे तो भी प्रचार बढ़ेगा। अब तो देख रहे ताई 3 ये देखो प्यार है श्रीमती नैना चौटाला जी के प्रति, अपनापन। इसके चर्चा कितनी होगी जब घूमेंगे, दिखेगा कड़े से प्रचार ही बढ़ाएंगे। और चौर देवीराज जी कहते थे हवा बना, हवा किस चीज से बढ़ती है, प्रचार से बढ़ती है। अपने शुभ चिंतक कहते हैं कि 5100 मैं पिताओं से पूछ रहा था, मैं उम्र कितनी होगी, 85 होगी, पेंशन कितनी होगी, 3000 होगी। बीजेपी के 18 प्रदेशों में राज है, किसी एक में 1500 को बता दो, अड़ के 3000 तो ले गया। आज उन लोगों से पूछने का काम तो करो, पूछने के तरह नहीं पूछा आपके अंदर, क्या उनसे तू ये कह गया था, क्या उनसे करूंगा सरकार आंधी कोनी रात पूरा बड़ा, तुमने भवानी खेड़ा जिता दी, भवानी खेड़ा जिता देते 5100 में एक नंबर बात जीते। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, 10 के साथ भी 50 का राज तो चला गया हूँगा। मनोहर लाल जी की तरह खुद की व्यवस्था तो नहीं बना के आया। आज एक चीज हमने काम किया, आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हो, कम्युनिटी सेंटर, ये चर्चा तो शुरू होगी, जनाना है ये बैठे। आज महाग्राम के अंदर इनके गांव में सीवर सिस्टम डलेगा, 30-35 करोड़ का डलेगा। तालाब है लगभग 2000, तालाब को अमृत सरोवर में खुदवाया, नए बनवाए। ये व्यवस्था क्यों थी, 10% विधायक थे तो भी बोधे नहीं थे, मजबूत थे, ठंडे काम तो करवा लेता था। और एक चीज बोल देता, आज पार्लियामेंट की बात, वहां ताकत हरियाणा की पहुंचानी, अपनी आवाज पहुंचानी है। जब नहीं जिता के भेजोगे, विजेंद्र भेजा ही था 5 साल, सुनना भी कान से, देखा तो छोड़ दो,
काम तो सुना भी कभी एमएलए देखा होगा हम बताए और वाल्मीकि देखा होगा आज के चरण जाए क्या बीजेपी का है तो प्रदेश नाना वाले मेरे पास आते आके कहते हैं वो तो गांव में आके कहते जाओ वोट तो तुमने जेजेपी को दिए उनसे काम करा लो क्या मत को नहीं तो काम तो जिसको दिए वही करेगा वही तुम्हारे साथ खड़ा रहे इसलिए निवेदन प्रार्थना है कि अगले 22 दिन एक काम करो पार्टी का प्रचार करो पार्टी की ताकत बढ़ाओ और 6 तारीख को बढ़ चढ़कर ऐतिहासिक संख्या में श्रीमती नैना चौटाला जी का साथ देने के लिए हिसार की पावन धरा पर पधारने का काम करो आप सबने गांव में आने पर सम्मान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।